और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है अहमदाबाद टू उदयपुर ट्रेन जर्नी इन हैवी रेन एंड फ्लड फ्लडेड कंडीशन एवरीवेयर। तो चलिए देखते हैं ये जर्नी, लेकिन इससे पहले वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा लॉगिन चैनल लिंक इसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मजे की बारिश है, कितने मजे की बारिश, लेकिन वो फ्लड वाली। हाँ अच्छा लग रहा है। आई थिंक हम ये रूट पहली दफा देख रहे हैं अहमदाबाद टू उदयपुर। हां गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का रिकॉर्ड नए व्लॉग में। वैसे व्लॉग का शुरुआत तो वडोदरा में हो रहा है, वडोदरा गुजरात में, लेकिन टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा व्लॉग एंड गुजरात में नहीं होगा। व्लॉग का जो एंड होगा वो होगा राजस्थान में। राजस्थान में हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं अभी हमारे फेवरेट प्लेस पे, जहाँ पे हम जाते हैं मतलब चिल मारने के लिए, अच्छा लगता है वहाँ का माहौल। हम जा रहे हैं उदयपुर। भाई उदयपुर तो अभी इतना पसंद आने लगा है नाम है, मतलब बहुत अच्छा माहौल रहता है वहाँ का, और ऊपर से अगर बारिश हो गया ना तब तो भाई साहब और चार चांद लग जाता है उस लोकेशन का। ऑलरेडी मैंने व्लॉग बना रखा है उदयपुर का, लेकिन इस बार भी बनाऊंगा मैं, क्योंकि अच्छा लगता है वहाँ पे ऐसे मेरे को चिल करना। वहाँ का ब्रेकफास्ट, वहाँ के नजारे, वहाँ का एक अपना होटल भी फेवरेट है। इस बार जाऊंगा ना तो अच्छे से आपको होटल का भी टूर दे दूंगा, ताकि आप लोग भी आओ तो एक बार विजिट करो होटल, अच्छा लगे तो आप लोग भी वहाँ स्टे कर सकते हो। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन है अहमदाबाद के लिए। मैं और लवली अकेले नहीं जा रहे उदयपुर, और भी बहुत लोग हमें ज्वाइन करेंगे। आधे लोग तो अभी अहमदाबाद में हमें ज्वाइन कर लेंगे और आधे लोग डायरेक्ट वहीं उदयपुर ही पहुंचेंगे। फिलहाल भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं, 10 बजे हमारा ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस वडोदरा से अहमदाबाद के लिए। एक डेढ़ घंटे का जर्नी है, वो छोटा सा एक जर्नी भी दिखाऊंगा, इसलिए ये वाला जो वीडियो है ना इसमें मैं आपको यहाँ से लेके पूरा उदयपुर तक का जर्नी दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं दो ट्रेन लेने वाला हूँ। एक अहमदाबाद से मैं चेंज करूंगा ट्रेन, तो वो कौन सा ट्रेन है कौन सा नहीं वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी देख लो, टाइम 8:59 हो गया, 10 बजे का हमारा ट्रेन है। सामने में ही जगदीश स्वीट्स है, तो वहां पे जाके ना वो नायलन ढोकला पैक करवा लेंगे अपने लिए। अच्छा लगा था, हम कल विजिट किए तो बहुत अच्छा लगा था। तो चलो एक काम करते हैं, निकलते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा है ना तो फॉलो कर लो, और इस टाइप का मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो अभी फिलहाल निकलते हैं। वडोदरा में हमारा यही होटल था, देख लो, रेजेंटा इन। अच्छा होटल था, मतलब लोकेशन मैं बोलूंगा काफी अच्छा था, सर्विस वगैरह ठीक ठाक सा था, लेकिन हाँ लोकेशन बहुत अच्छा था। 1500-1600 रुपए में मैंने इसको बुक किया था, उस हिसाब से मेरे को अच्छा लगा ये। फिलहाल अभी निकलते हैं बाहर। बाहर तो वैसे हो रहा है बारिश, जैसे ही बारिश कम होता है हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि एक घंटे बाद ही हमारी ट्रेन है। वैसे वडोदरा में देख लो यही हमारा होटल था, सारा सामान वगैरह पैक हो गया हमारा। और बाहर पता नहीं आपको दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रहा है, थोड़ा सा ये ब्लर सा हो गया। चलो कोई नहीं, स्टेशन यही है कि बाजू में ही है, तो निकल जाएंगे हम लोग। लो भाई होटल से अभी हम लोग निकल चुके हैं, और बाहर देख लो, बोला भी सोचे थे ये सामने एक जगदीश है वहां से खाना पैक करवाते, खाना क्या भाई ब्रेकफास्ट पैक करवाते नायलन ढोकला, लेकिन अलग ही माहौल हो रखा है अभी तो वडोदरा में। अभी टाइम देख लो 9:20 हो रहा है, और स्टेशन तो हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरा भीग चुके हैं भाई। लेकिन एक चीज अच्छा हुआ, जो पैक करवाना था वो पैक करवा लिया हम लोगों ने। बाय द वे गुड मॉर्निंग, बैक टू बैक बारिश पूरा भीग चुका है, लगेज वगैरह तो सब कुछ भीग चुका है हमारा। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं ट्रेन कितने बजे है हमारा। ओ मजे की बारिश है, स्टार्टिंग में भी कहा था मैंने नहीं मजा तो आता है बारिश में, ऐसे लगे वाकई में फिल्मों में नहीं देखते मतलब। एकता नगर भारी वाली बारिश, शताब्दी एक्सप्रेस एकता नगर स्टेशन का बता शताब्दी एक्सप्रेस केचेगुड़ा हिसार। अहमदाबाद आसनसोल वीकली एक्सप्रेस, वीकली एक्सप्रेस यानी हफ्ते में एक दिन चलती है। ऊपर से कुछ पानी फेंक रहा है ना। हिसार एक्सप्रेस हिसार टू सिकंदराबाद, काफी ज्यादा ट्रेन आ रही है ना। एक्सप्रेस
तो अभी टाइम देख लो 10:15 हो चुका है, 10:13 का टाइमिंग था आने का अपना वंदे भारत का। अब दिखा रहा है 10:16 तक आएगी अपनी ट्रेन, एक मिनट बाद, वो भी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी जस्ट ये ट्रेन आई है, सिकंदराबाद हिसार, हिसार एक्सप्रेस। फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है। वैसे अपना चेयर कार है, C9 है, सामने हम खड़े हैं। ये अपनी कोच है C9, भाई भीड़ है भाई अच्छा खासा। पहले लोगों को उतर जाने देते हैं फिर चढ़ते हैं। 3 मिनट का हॉल्ट है वैसे अपने इस ट्रेन का। वैसे पानी भी कैसे आ रहा है। चलो जी, ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी है। ऑन टाइम तो नहीं बोलेंगे, 10:16 में निकलने का टाइम था, 10:29 में निकली है। मैं दिखा नहीं पाया एक्चुअली, मैं लगेज वगैरह सेट कर रहा था ना, लास्ट में बैठ गया था। वही आपका चेयर कार का इंटीरियर है, नॉर्मल, अलग से कुछ है नहीं दिखाने के लिए। अपना सीट वैसे सामने है, हम पीछे बैठे हुए हैं। होपफुली ये वाला सीट किसी का ना हो, क्योंकि हमारा एक मिडिल था, एक आयल था, विंडो किसी और का था। पीछे वाला सीट खाली दिख रहा था, बट उतरा से निकलने के बाद इसका कोई स्टॉप नहीं है, डायरेक्ट अहमदाबाद। तो मेरे को नहीं लगता इस सीट में कोई आएगा, और वैसे भी 1 घंटे का जर्नी है। हमें खाना है ना, इसलिए हम साइड में बैठ गए। और ये हम लोगों ने पैक करवा लिया था, नायलॉन ढोकला, चटनी दिया है ना बहुत, तो ये चटनी बहुत पसंद आ रहा था हमें। यहाँ का पैकिंग मुझे जबरदस्त लगता है, धागे से बांध कर देते हैं, प्लास्टिक का एकदम यूज ही नहीं करते हैं ये। और साथ ही ये जो देख रहे हो ना, ये बटर पेपर है। थैंक यू। वैसे हमें सर्विस वगैरह ज्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, बस पानी मिलेगा और चाय कॉफी मिलेगा। यार मेरा ऐसे वैसे बड़ा सा चक्कर आता है, मुझे तो मजा आता है। तो मजा आता है ऐसे उल्टी साइड में बैठना। अच्छा, उल्टी साइड बाहर इस तरह देख। वैसे लवली कोलकाता में ये सब चीज नहीं खाती है, लेकिन बता रही है इसको यहाँ पे ये बहुत अच्छा लग रहा है। नायलॉन ढोकला मस्त है, और चटनी तो असली जादू कर रहा है ये। अपना नायलॉन ढोकला खाना चल ही रहा है। ये आ चुका है अपना, देख लो, मसाला टी इंस्टेंट प्रीमिक्स वाला है ये, मस्त होता है ये। साथ ही मारे बिस्किट भी है। बस यही सर्विस मिलेगा हमें, और वाटर बॉटल तो मिला ही है, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बताया आपको 1 से 1.5 घंटे का जर्नी है, 11:30 बजे हम पहुंचे जाएंगे अहमदाबाद। और बारिश तो देख लो, पूरे रास्ते लग रहा है हमें बारिश मिलेगा। अभी मैंने ना कॉल पे बात किया तो अहमदाबाद में भी बारिश हो रहा है। चलो बोल सकते हैं ऑन टाइम ही हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अहमदाबाद। 11:25 का टाइम था, लेकिन 11:31 हो गया। स्टेशन में एंटर कर ही रहे हम, और यहाँ वैसे 5 मिनट का हॉल्ट है अपने इस वंदे भारत का। और ये ट्रेन तो वैसे गांधीनगर तक जाएगी, लेकिन हम अहमदाबाद तक ही ट्रैवल कर रहे हैं। चलो भाई, फाइनली हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, वो भी 10 मिनट डिले। वैसे अपने इस वंदे भारत का ना यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। चलो जी, अभी स्टेशन से जस्ट निकले हम लोग, और यहाँ ले लिया हम लोगों ने ऑटो अपने होटल तक के लिए। कैब तो बुक ही नहीं हो रहा था। एक होता है ना, लोकेशन पे डिपेंड करता है, नहीं जाता है कभी कभी कैब वाले उधर। अभी रात में वापस से हमारा ट्रेन है उदयपुर के लिए, लगभग 8 या 8:30 बजे अपना ट्रेन है। अहमदाबाद से नहीं है, असरबा कोई रेलवे स्टेशन है वहाँ से, अलग स्टेशन अहमदाबाद की तरह। डाइवर्ट कर रही है, वाओ नाइस। तो अभी जस्ट मैं रूम में चेक इन किया हूँ, तो रेस्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा रूम दिखा दूँ। बाय द वे, ये जो है ना होटल क्राउन है। तो यहाँ सर जैसे एंटर करते हो देख लो, कुछ ऐसा रूम है, अच्छा है, नीट एंड क्लीन रूम है एकदम। बेड वगैरह भी देखकर एकदम साफ सुथरा लग रहा है, अच्छा है, मतलब स्पेशियस रूम है। वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है, मिनी फ्रिज, चाय कॉफी का वो सारा तामझाम, मिनरल वाटर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे काउच बना हुआ है, बैठ कर टाइम पास करो, टीवी वगैरह सब कुछ है। और ये इनका वॉशरूम, बंदा वॉशरूम दिखा दे तो पहले थोड़ा डरता ही है। अच्छा है, काफी बड़ा है वॉशरूम, है ऐसा नहीं कि एकदम छोटा सा है। अभी जा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट क्या ही करना है, मेरे को थोड़ा सा एडिटिंग बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे। होटल में सबसे पहले हम लोगों ने चेक इन करा, होटल रूम टूर भी मैंने आप लोगों को दिया। और अभी देख लो, टाइम बहुत कम था हमारे पास, इसलिए अभी हम लोग आ चुके हैं। देख लो बाहर कहाँ है, तो मैं बता दूं, फैशन फैक्ट्री आए थे, कुछ मतलब चप्पल जूते का शॉपिंग करना था, वो तो नहीं मिला क्योंकि अभी कलेक्शन अच्छा नहीं था, इसलिए मैं नहीं लिया। तो हाँ, शर्ट वर्ट अच्छा मिला था, वो ले लिया मैंने। और फिलहाल मैं बता दूं, हमें अभी ज्वाइन कर लिए हैं हमारे सत्या भाई। तो सत्या भाई भी अभी जस्ट फ्लाइट से ही लैंड किए हैं, देख लो, जूता तक खोलने का मौका नहीं मिला, अभी बाहर आ गया। और होटल किसने लिया, उसको मुंह दिखाने के लिए। मौसम खराब हो गया, इसलिए टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तो अभी देख लो, 6 बजे हमें वापस से निकलना है, अभी 3:19 हो गया यहाँ पे। बादल देखो कितना तेज निकल रहा है, और बारिश वापस से स्टार्ट हो गया। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई, म्युनिसिपल मार्केट, जो अहमदाबाद से उनको पता होगा, यहाँ काफी बढ़िया स्ट्रीट फूड सब मिलता है। लेट्स सी, देखते हैं हम क्या ट्राई करते हैं। बाहर इतना बारिश हो रहा था ना, हमें अपने होटल आना पड़ा। और जिस जगह हम लोग खाने के लिए जाने वाले थे ना, वहाँ से हम लोग को खाना पैक करवा लिए। सैंडविच यहाँ का एक फेमस है, वो ले लिया हम लोगों ने, दिखाता हूँ आपको। यहाँ का एक थिक शेक है, ये भी बहुत फेमस है इधर का, दिखा देता हूँ मैं आपको। चीयर्स सिंस 1980,
जो यहाँ से उनको पता होगा। और सैंडविच यहाँ का देख लो, एक ही खोलना, पुरोहित सैंडविच वाला। प्लेन है लेकिन मस्त लग रहा है ये। वेजेस और प्लस हेल्दी भी है। हाँ, वेजेस है, कोई मेयोनीज चीज नहीं है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये सेब पूरी चाट है। तो यही सब आज अपना लंच होने वाला है, और थोड़ी देर में हमें निकलना भी है स्टेशन के लिए। चलो अभी हम अपने होटल से चेकआउट कर चुके हैं और जा रहे हैं यहाँ से उदयपुर के लिए। लेकिन उदयपुर कैसे पहुँच रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रेन तो बुक करा है, बट वो जो अपना ट्रेन है ना असरवा जंक्शन से, मतलब असरवा रेलवे स्टेशन से, वो थोड़ा दूर है। ट्रेन का टाइमिंग अपना 8 बजे का है, लेकिन हम लोग अभी निकल गए 6 बजे। तो देखते हैं भाई कैसे जा सकते हैं, बारिश हो रहा है। चलो जी, होटल से अभी हम लोग निकल चुके हैं, कैब ले लिया हम लोगों ने, 1 घंटे में हमारा ट्रेन है। स्पेशल थैंक्स टू भैया जो हमें लेने आए, अभी कोई नहीं आ रहा है। सही बात है, हमारा 8 बजे का गाड़ी है मोहित भाई। हाँ हाँ, लेवल था ये। अरे अभी हम आए ना थोड़ी देर पहले, ये देखो ये एरिया पूरा डूबा हुआ था भाई। अभी भी देखो यहाँ पूरा पानी है, देखो ऐसी जब ज्यादा बारिश हो रही है ना, कंटिन्यू बारिश हुआ है, कंटिन्यू। आज ज्यादा थी, कल तो कम, आज बहुत, आज से ज्यादा। सब आप बोलते हो ना अहमदाबाद की बारिश, हम लोगों ने अहमदाबाद का बाढ़ भी देखा है। इसी तरह पानी यहाँ पे भी खबरें भी देख रहे हो साथ साथ। ऑटो हिम्मत देखो घुसा दिया ऑटो वाले, नहीं देखते यहाँ पे। बट ऐसे पानी में जब साइड हो काफी ज्यादा, सीएनजी में से पेट्रोल कर दी, सीएनजी में क्या रिस्क होता है। देख लो भाई अभी असरवा स्टेशन यहाँ से ज़्यादा नहीं और 1.2 किलोमीटर दूर है, और एग्जैक्ट इसी जगह हमें सबसे ज़्यादा पानी मिला। बाइक मतलब बंद हो चुकी है पानी के वजह से, यही रीज़न था हमें कैब नहीं मिल रहा था। अभी हम लोग स्टेशन पहुँच गए, यही है देख लो असरवा रेलवे स्टेशन। भाई इतने बारिश में हम कैसे कैसे पहुंचे हम ही जानते हैं। ये स्टेशन का एंट्री है देखो यहाँ पे, यहाँ से अपना ना उदयपुर तक का ट्रेन है। बताते हैं स्टेशन में जाके, अभी बहुत हौच पौच हो रखा है बारिश के लिए। फाइनली पहुंच चुके हैं भाई असरवा रेलवे स्टेशन, ये भी पहली दफा हम देख रहे हैं ना। अच्छा बड़ा स्टेशन में तो अभी हम लोग आ गए हैं, आधे घंटे पहले फिर भी हम स्टेशन में आ गए। और मैं बोल रहा था ना सत्या भाई तो हमें ज्वाइन कर ही लिए, और दो लोग भी है जो ज्वाइन कर रहे हैं, बारिश की वजह से नहीं दिखा पाया था। तो ये मिल लो हमारे श्रेयांश भाई और संदीप भाई से। कैसे हो भाई लोग, दोबारा हैंड से कर लेते हैं। सफर बड़ा डेंजरस था, हम तो ये सोच रहे थे होटल में सोने का तैयारी कर रहे थे हम। नहीं मिलता भाई, अगर वो कैब वाला एक्सेप्ट नहीं करता ना मिलता नहीं लास्ट टाइम में। कितना लिया ऑटो वाला? 400 रुपए लिया। हमारे कैब वाले ने 500 रुपए। तो देख लो भाई रिस्क था, बहुत पानी था, कैसे मान गया वही बहुत बड़ी बात है। कौन सा ऐप था जो 900 रुपए में ऑल्टो आ रहा था? अरे वो तो उसमें वो करना पड़ता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बोली लगाना पड़ता है। अरे 900 रुपए में भी नहीं मान रहे थे। और वैसे एक बात मैं बता दूं, ये जो असरवा रेलवे स्टेशन है ना पूरे स्टेशन में बस एक ही छोटा सा स्टॉल है, जहाँ से अभी सत्या भाई ने ये सब पानी वगैरह क्या क्या लिया है, तो बस एक ही स्टॉल है। देख लो पूरे स्टेशन में एक ही स्टॉल। वैसे ज्यादा नहीं अपना बस 4 घंटे का जर्नी है, रात के 12 बजे तक हम उदयपुर पहुँच जाएंगे, तो बस बैठ के ही जाना है। चलो जी अभी अपनी ट्रेन में तो आ गया हूँ मैं, और सीट पे अभी सभी को जाकर बैठ गए, बट मैं अभी डिपार्चर दिखाने के लिए आ गया हूँ गेट पे। वैसे छोटा जर्नी है, मैंने बताया आपको 4 घंटे का जर्नी है, और ये अपना इधर सीट दिखाऊंगा अंदर जाकर अच्छे से। 8 बजे का डिपार्चर टाइम ऑलरेडी 8 बज गया। चलो जी एग्जैक्ट टाइम पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है असरवा रेलवे स्टेशन से। रात में वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, बस स्टेशन ही दिखा पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। ये असरवा रेलवे स्टेशन पूरा पानी भरा हुआ है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा इधर देखो पूरा पानी भरा है। भाई देख लो गलियों में भी पानी भर चुका है पूरा, ये घर है, घर दुकान दिख रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। क्या हो गया पर बादल हैं। हाँ बहुत ज्यादा। सीट भी दिखा देते हैं। वैसे आज जो हमारा जर्नी हो रहा है ना वो हो रहा है ट्रेन नंबर 12982 असरवा जयपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, जो वाया उदयपुर चित्तौड़गढ़ होते हुए जाती है। लेकिन जो हमारा जो जर्नी है ना वो है उदयपुर तक, जो लगभग रात के 12 बजे तक आ जाएगी अपनी। और अगर मैं बात करूँ टिकट फेयर का, 3 से 4 घंटे के जर्नी के लिए हम लोगों ने कितना पे किया है, तो मैं बता दूँ पर पर्सन 800 रुपए करके हम लोगों ने पे किया है। देख लो जी इतना कुछ हम लोगों ने खाने के लिए ले लिया है, भेलपुड़ी है, सत्य भाई अपने साथ कुकीज लाए थे, ये छाछ भाई एक नंबर है, ये किसका है देख लो छाछ वाला का। वैसे इस ट्रेन में ना साइड पेंट्री का भी सर्विस है, क्या क्या मिल जाएगा भैया? यही मिलेगा कि और कुछ भी मिलेगा?
खाना पानी चाय सब मिल जाएगा। वो प्रीमिक्स वाला चाय मिलता है, प्रीमिक्स चाय मिलता है, मसाला वो प्रीमिक्स ही रहता है ना, वो पैकेट में डाल के जो बनाते हैं। अच्छा वो गाड़ी वाला रहेगा। तो हाँ खाना पीना भी इस ट्रेन में मिल जाएगा टिल जयपुर तक। ये जो है ना बीका जी का कभी आप खाना फटाफट भेलपुरी मस्त होता है ये भी। हिम्मत नगर है ना। बहुत बारिश। फाइनली अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हिम्मत नगर और यही एक स्टेशन था जो सोच आपको दिखा पाऊँ। इसके पहले भी एक दो स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी हमारी लेकिन काफी डार्क था ना, दिखा नहीं पा रहा था। वैसे यहाँ के ना चाय समोसा बहुत ही फेमस है, अगर आपको चाय वगैरह पीना हो तो ले सकते हो। इस पूरे ट्रिप में हमें बारिश मिला है। चलो भाई ट्रेन अपनी निकल चुकी है और लगभग मेरे को लगता है 5 मिनट बाद था यहाँ पे। अब तो लग रहा है ये बारिश हमें उदयपुर तक मिलेगा। ये रहा हिम्मत नगर जंक्शन। कैमरा क्वालिटी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डूंगरपुर और यहाँ पे देख लो भाई लाइट ही नहीं है प्लेटफॉर्म पे, सब टॉर्च जलाकर देख रहे हैं ट्रेन का कोच नंबर क्या है। ये देखो कहीं नहीं है भाई, सामने भी लाइट नहीं है और यही स्टेशन है देख लो डूंगरपुर। अच्छा तो डूंगरपुर की ना लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आ गई है। हम सोच रहे थे भाई इतना डार्क स्टेशन कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं अभी लाइट आ गई है, अभी सही है। ये देख लो अभी लाइट है पूरा। चलो जी डूंगरपुर से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और निकलते निकलते चलो लाइट आ गई है। यहाँ पे भी तो एक जगह जिसका नाम है डूंगा। हाँ वो देख डूंगा भूंगा। हाँ यहाँ पे डूंगा भूंगा है ना, डूंगा डूंगा भूंगा, ये डूंगरपुर है, डूंगा भूंग सॉरी। अभी वैसे अगर मैं टाइम बता दूं तो हो रहा है 12:40 और अभी जस्ट हम लोग पहुंचे उदयपुर। लगभग 12 बजे करीब हम पहुंचने वाले थे लेकिन लेट हो गई ट्रेन क्योंकि इतनी बारिश भाई पूरे रास्ते में बारिश मिली है। ये अभी टाइम देख लो 12:40। एक बात अच्छा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही है तो यहाँ से एग्जिट होते ही अभी होटल निकलते हैं, तो होटल में जाके वीडियो को एंड करते हैं। काफी लंबा जर्नी आज का रहा देख लो, सुबह में वडोदरा से निकला था अभी उदयपुर पहुंचा हूँ, लेकिन अभी भी ये ब्लॉग एंड नहीं होगा, ये ब्लॉग एंड होगा होटल जाकर। अभी जस्ट हम लोगों ने होटल में चेक इन करा है और होटल का सारा डिटेल ना मैं अच्छे से आपको कल दूंगा। काफी कमाल का होटल है, स्पेशली मुझे इनका रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, लाइक प्योर वेज मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है। खाना पीना मैं सब कुछ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। और अभी तो सबसे मेन उदयपुर का ना मतलब मौसम जैसा चाहिए था वैसे ही होके रखा है, पूरा बारिश वाला। तो हाँ आपने ये जर्नी देखा वडोदरा से पूरा उदयपुर तक का, होप कि आप लोगों को ये जर्नी मेरा अच्छा लगा हो। आज तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं मैक्सिमम ट्रेन कैंसिल हो गया, जो हमारे ग्रुप के बंदे आने वाले थे ना आज सभी का ट्रेन कैंसिल हो चुका है, सब कल फ्लाइट से आएंगे, बस फ्लाइट कैंसिल ना हो। तो खैर अभी तक का यही है वीडियो और ये वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बारिश में ना ट्रेन के सफर का अपना एक आनंद जो है वो होता ही होता है, लेकिन जो है ना बारिश के मौसम में घर से स्टेशन तक जाने का जो एक आनंद होता है ना वो आनंद नहीं होता, वो आपको बहुत कष्ट होती है। बिल्कुल ये वेदर आपको नॉर्मली बहुत पसंद आता है लेकिन जब आपने कहीं पर घूमने के लिए जाना हो या फिर आपका कोई प्लान वैसे ही बाहर हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और मतलब ऐसा नॉर्मली होता है कि चीज़ें जो है ना बिल्कुल आपकी सोच के ऑपोजिट हो रही होती हैं, आप प्लान कुछ करते हो लेकिन वेदर इतना एक्सट्रीम होता है कि भाई मतलब अगर ज़्यादा गर्मी हो तो भी मैं बोलूँगी, ज़्यादा सर्दी हो तो भी बोलूँगी, बारिश ज़्यादा हो तो भी बोलूँगी, लेकिन ये है कि थ्रू आउट जो उनकी जर्नी जिस तरीके से रही और बारिश वाला वेदर था और मैं कहूँगी जितनी मूसलाधार बारिश हो रही थी आई मीन मज़ा आता है वीडियो देखकर तो बहुत ही मज़ा आता है। और मुझे लगता नहीं वैसे मतलब आप रियल में भी बहुत इन्जॉय करते हो बट ये कि हाँ सामान वगैरह हो कुछ इस तरह से चीज़ें होना तो मुझे लगता है कि जर्नी में जितना कम सामान आपके पास रहता है ना आप उतना ज्यादा एंजॉय करते हो। यार ऐसे मौसम में ना आपको छत पर जो है ना अगर कोई ममटी टाइप जगह बनी हो या आपके घर में बालकनी हो वहाँ पे बैठ के कॉफी या चाय पीने का बहुत मजा आता है। लेकिन अगर रियलिस्टिक होकर सोचे ना अगर बाहर आपको जाना पड़े हो, बाहर जो है ना गोडे गोडे हो, पानी अगर खड़ा हो और उसमें आपकी बाइक बंद हो जाए या गाड़ी बंद हो जाए, क्योंकि मोस्टली बारिश के सीजन में ना आपको ये चीज नजर आती है कि जगह जगह गाड़ियां जो बेचारे वो इंडिकेटर्स लगा के खड़े होते हैं, हमारी गाड़ी जो है वो खराब हो चुकी है।
लगी हुई है, तो वो आपको ये चीज काफी ज्यादा नॉर्मल जो है वो देखने को जो है मिलती है। लेकिन ट्रेन के जर्नी में मैं कहूँगा एक अलग ही मजा आता है बारिश का, और मुझे लगता है बारिश के मौसम में ना जो एसी कोच होती है उसका एक अपना मजा होता है, लेकिन इकोनॉमी क्लास में जो एक ताजा हवा और एक जो बारिश की हल्की हल्की फुहार आप पर पड़ती है और जो आपके थोड़े थोड़े कपड़े गीले होते हैं, उसका मुझे लगता है कि आपको जो है ना अलग एक्सपीरियंस, अलग मैं कहूँगा उसकी एक महक ही एक उस चीज़ की अलग होती है। अच्छा, अब मेरे जहन में ना मौसम ने ये वाली बातें की ना कि गाड़ियाँ जो है वो बंद हो जाती, तो मेरे जहन में एक वाक्य आ रहा है, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लाइक जब मैंने मतलब मैंने ड्राइविंग सीखी थी, उसके बाद मैं स्कूल मतलब ड्राइव करके जाया करती थी, तो एक बार था बहुत ज्यादा ऐसे ही बारिश हुई कि मतलब इतना इतना पानी जो है ना वो आ गया, कितना कितना मतलब अब मैं दिखा नहीं सकती, मतलब गोडे गोडे वाला पानी जो है ना अच्छा। वो आ गया, ठीक है, गोडे गोडे चा वाला। सो भाई मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पर कि अच्छा। इतने पानी में गाड़ी नहीं लेकर जानी चाहिए। मैंने भी जोर लगा दिया, मैंने कहा लेके जाओ, मैंने लेकर गई मौसम। ओ गॉड, एक तो मैं डर गई क्योंकि जो स्पीकर थे ना वो मतलब अब पता नहीं क्या हुआ उसमें ना स्पार्किंग होना शुरू हो गई, मैंने कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आना शुरू की, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं डर गई। फिर मैंने जल्दी से पता नहीं जैसे तैसे करके गाड़ी उसमें से निकाली, और फिर जितना मतलब मैं फिर स्कूल ही गई, मैंने एक फिर राउंड लगाया कि किसी डिफरेंट गली में मैं घूम गई रही हूँ, निकल गई और ना आवाज आती जाए, और मुझे डर लगे कि ये कहीं फट ना जाए क्योंकि स्पार्किंग की आवाज इस तरह से आ रही है। ये डर लगा था फट ना जाए, ये नहीं डर आग ना लग जाए। तो वही ना, मुझे ये डर लग रहा था ना कि कहीं पर आग वगैरह कुछ इस तरह की चीज ना हो जाए, बट खैर उसके बाद मुझे अकल आ गई, भाई ऐसे नहीं करते होते ईमान, अगर इस तरह की चीज़ें हो तो ज़बरदस्ती नहीं किया करते। लेकिन खैर क्योंकि जब आप नए नए ड्राइवर होते हैं ना, तो तब आपको बड़ा एक कह लो कि दिमाग में ना आपके एक फतूर होता है, भाई हम कर लेंगे ये वाला होती है। अच्छा, वैसे फ्लड के सीजन में समटाइम्स रेल ट्रैफिक जो है वो भी जो है इम्पैक्ट हो जाती है, जैसे अगर बाढ़ आ जाए पानी खड़ा हो, तो चले नॉर्मल पानी हो ना ट्रैक से ऊपर तो ट्रेन यहाँ पर तो चला देते हैं कि ठीक है रूट पर चलाओ, लेकिन अगर ज़्यादा पानी हो तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो रेल सर्विस को भी देखने को मिलती है। इवन कि समटाइम्स बारिशें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ट्रैक के ऊपर, मुंबई में अक्सर आपको देखने को मिलता है कि जब मानसून में बारिश होती है ट्रैक पूरा पूरा डूबा होता है पानी में। लेकिन उस मौसम में कहता हूँ भाई जो मुंबई लोकल वाले जो ट्रेन के लोको पायलट्स हैं ना, उनकी हिम्मत होती है उसमें भी वो भगा रहे होते हैं ट्रेन। अच्छा, मतलब क्या दिक्कत आती है अगर ज़्यादा बारिश हो और पटरियां जो है वो मतलब भर जाए तो? उसमें ये होता है ट्रैक स्लिप हो सकता है अपनी जगह से, हो सकता है। हाँ, अगर क्या नाम लेते हैं कहीं पे फॉर एग्जांपल पत्थर थोड़ा कम है और वहाँ पे मट्टी ज्यादा है तो मट्टी नीचे से स्लिप हो सकती है। हाँ, मतलब वो वहाँ से दब जाएगा वो, नहीं ट्रैक दब भी सकता है, ट्रैक जो है वो डिसमेंटल भी हो सकता है क्योंकि लगभग ट्रेन का भाई टनों के हिसाब से तो उसका वजन होता है। नहीं नहीं, वैसे मुझे नहीं पता था ऐसा हो सकता है, इसलिए ट्रेन की ट्रैफिक बंद होती है वरना वो क्यों अपना नुकसान करे। स्टिल देखा जाए तो सबसे मुझे लगता है कि सेफ जर्नी जो है वो आपको ट्रेन की ही लगती है। अभी जैसे उन्होंने बोला कि भाई कुछ उनके जो ग्रुप में लोग थे उनकी लाइक ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई और अब वो बाय फ्लाइट आएंगे, तो उसमें भी देखो अगर वेदर ज्यादा प्रॉब्लम करे तो मतलब हाँ उसमें भी मतलब कैंसिल हो जाती है ना फ्लाइट्स वगैरह। हाँ, तुम्हें क्या अपना टाइम याद आ गया। बट ये कि ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्रेन की जर्नी आप बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो, और अगर आप वंदे भारत जैसी ट्रेन में सफर कर रहे हो तो मुझे लगता है कि सफर का मजा दोबाला हो जाता है, दोबाला कई गुना बाला हो जाता है, बाला। एनीवे गाइस, दिस इज हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हुई क्योंकि हम लोगों ने तो ये रूट फर्स्ट टाइम देखा है अहमदाबाद से उदयपुर का। बाकी उदयपुर के जो उन्होंने सीन्स और नज़ारे हमें दिखाए हैं वो देखकर तो हम काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप में से किस किस ने इस रूट पर सफ़र किया है, और इसी के साथ हमें हमारे वीडियो चैनल करें।